तो यहाँ की जो सूरत हाल होती है लोग देखते हैं कि खामोशियाँ होती हैं। पर ये भी देखते हैं कि सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। ग्रीन इलाका है कराची का, पारसी कॉलोनी, जो कि कदीमी भी बहुत है और यहाँ पर जो है हिंदू और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है हम बिरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस इलाके में एक मशहूर इलाका है, फेमस इलाका है। जैसे हम यहाँ आते हैं ना, ये सब माँ के पेट के अंदर सुकून, जैसे सुकून मिलता है। अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ये पारसी कॉलोनी जो है ना, गले से सुकून मिलेगा। कहीं भी जाते हैं ना तो रशकों को भगाते हैं, सो गले मिलेंगे, टांगे उठा के यूँ बैठ जाएंगे। हाँ थोड़ा होता है लेकिन ज़्यादा ऐसी चोरी और कराची में चोरियाँ नहीं होती इनके टाइम में। जैसा आप देख रहे हैं खूबसूरत बहुत है, हम लोग यहाँ पे भी पिक्चर ही खींचने आए हैं। यहाँ पे एक तो पीछे की साइड है वहाँ बहुत, यहाँ पे बिल्कुल। बोलो सच की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मुइज़ कुरैशी। आज मैं आपको कराची की ऐसी इलाके से मुतारिफ करवाएंगे जो इलाका कराची की पारसी कॉलोनी है। इस कॉलोनी के अंदर ये खासियत है कि एक पारसी कॉलोनी के नाम से कराची के अंदर मशहूर भी है और साथ साथ अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि कराची शहर का इतना शोर है और शोर के अंदर कराची में एक ऐसी जगह भी कायम है, एक ऐसा इलाका भी कायम है जो मुकम्मल खामोश है और यहाँ पर पारसी है, पारसी लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग बिरादरी के लोग रहते हैं। तो आज हम इस पारसी कॉलोनी को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे आखिरकार ये पारसी कॉलोनी है शहर कायद के इतने रंजिशों वाले शोर में, गाड़ियों के, बाइकों के, हजारों शोर के अंदर एक कराची में खामोश इलाका भी है जो बड़ा खूबसूरत, दिलनशीन और बेतहाशा खूबसूरत है। आइए इस पारसी कॉलोनी को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के लोगों से, वकीलों से जानते हैं कि आखिरकार ये इतनी खूबसूरत, खामोश, एक जन्नत जिसको हम इलाका कहते हैं, वो मुझे बताएं आप यहाँ पर आते हैं कब से आ रहे हैं, कब से खड़े हुए? यार ये तो तकरीबन 12-13 साल हो गए मेरे। हाँ मुझे बताएं यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, ग्रीन। बस ये मकसद ये है कि जैसे हम यहाँ आते हैं ना, ये सब माँ के पेट के अंदर सुकून, तो ऐसे सुकून मिलते हैं हम लोगों को। हाँ बहुत सुकून वाला इलाका है। बाकी कराची में जो है ना गड़बड़, इधर कोई गड़बड़ नहीं है। बेफिक्र यार मेरे को तो नहीं, मेरे को साथ तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं तो 12-13 साल से यहाँ सोता हूँ, कभी इस गली में सोता हूँ, कभी पीछे सोता हूँ। सब अपने अलग अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कोई जबरदस्त भी। हाँ बस VIP इलाका है क्योंकि लोग भी अच्छे हैं। ये सारे घर वाले जो जितने भी हम लोग को इज्जत करते हैं, हम लोग भी ख्याल रखते हैं, माँ बहनों की तरह समझते हैं उनको। तो यहाँ हमारा 12-13 साल हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। बारिशों में कैसा जबरदस्त हो जाता है, आपको तो बड़ी अच्छी नहीं ना? बारिश तो जबरदस्त, ये ऐसा टपकता था जैसा हमारे ऊपर जो है ना फुहारा टपकता है, मैं रक्षे में सोया रहता था। ऐसे अच्छा अच्छा टपकता था, मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता था, मैंने सारा बारिश इधर ही गुजारा। हाँ ये गाड़ी मेरे जो है यहाँ तक होता था, सारा पानी पानी होता था। बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त इलाका है पूरा। कराची में कहीं सुकून नहीं मिलेगा। ये पारसी कॉलोनी जो है ना सदर बाजार वाला, इसमें आपको बिल्कुल ऐसे सुकून मिलेगा जैसे आप अमरीका में रह रहे हो आप। हाँ बहुत ज़बरदस्त। कि कराची के अंदर शोर होता है और रंजिश होती है मगर ये इलाका मुकम्मल तौर पर सुकून है। यहाँ पर इलाज लोग किस तरीके के, अच्छे हैं बुरे हैं? भाई ये अच्छे लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मगर आप खुद अच्छे लोगों के साथ आप खुद भी अच्छा बनोगे, सो बात की एक बात है। अभी हम लोग के रश्के, हम लोग को कहीं भी जाते हैं ना तो रश्के उन लोगों को भगाते हैं, उसकी वजह ये 3-4 रश्के वाले एक साथ मिल जाते हैं ना, वो गले मिलेंगे, टांगे उठा के यूँ बैठ जाएंगे, तो इस तरह लोग इतराज करते हैं। भाई तो आप लोग जहाँ भी खड़े होते हो तो अपना घर समझ के खड़े हो, तरीके से बैठो, कोई भी इतराज नहीं कर। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुकून, सन्नाटा, वरना कराची में तो गली गली में शोर होता है मगर यहाँ हम देख रहे हैं सुकून है, लोग बैठे हैं, सब अपने अपने में लगे हुए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप कहाँ यहीं पर रहते हैं? जी जी। ये बताओ यार यहाँ पर आप इतनी खूबसूरती पारसी कॉलोनी है तो आप यहाँ पर कब से रहते हैं? एक दो साल हो गए। तो यहाँ पर मतलब स्ट्रीट क्राइम वगैरह तो नहीं होता, इतना सन्नाटे वाला इलाका है यहाँ पर? हाँ थोड़ा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर कभी रौनक वगैरह नहीं होती? हम लोग देखते हैं कि कराची का एक मशहूर इलाका है, हमेशा यहाँ पर सन्नाटा होता है और सब प्लेन तरीके से जो हम कहते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? रौनक तो नहीं होती, सन्नाटा होता है यहाँ पर, तो थोड़ा डर लगता है। डर क्यों लगता है? ऐसी चोरी और कराची में चोरियाँ नहीं होती, यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। ये बताओ आप यहाँ कब से? यहाँ हमें 4 साल हो गए। तो यहाँ पर मतलब सन्नाटा है, इतना
सन्नाटा रात के टाइम होता है, लेकिन दिन के टाइम में जैसा आप देख रहे हैं खूबसूरत बहुत है। हम लोग यहाँ पे भी पिक्चर ही खींचने आए हुए। यहाँ पे एक तो पीछे की साइड है वहाँ बहुत कीचड़ होता है, लेकिन ये जगह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल कीचड़ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बहुत साफ सुथरी जगह है। जबरदस्त, हाँ जबरदस्त एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल ग्रीनरी वगैरह। शहर का इतनी रोशनियों में और रंजिशों में, इसके साथ साथ मजे के मौसमों में और कराची में धूपों में, सब चीज़ों में जो है हम लोग देखते हैं कराची पहले नंबर पर आता है। मगर इसके साथ साथ कराची का जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा खामोशी में भी आते हैं। और कराची के अंदर हम जाते हैं कि शोर होता है रोडों पर, सड़कों पर, मगर हम यहाँ जब आते हैं तो यहाँ की जो सूरत हाल होती है एक बेहतरीन सूरत हाल होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खामोशियाँ होती हैं, इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं, ये भी देखा जाता है सब नमाजों में लगे होते हैं, ये भी देखा जाता है कि सब जो अपनी कलाने दवाइयों में लगे होते हैं। मगर बेहतरीन इलाका है कराची का पारसी कॉलोनी, जो कि कदीमी भी बहुत है, और यहाँ पर जो है हिंदू और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है हम बिरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस इलाके में एक मशहूर इलाका है, फेमस इलाका है, हर बंदा चाहता है कि वो यहाँ पर आए। और मुझे इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद मुश्किल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।